Hello guys, welcome to Hightech Info YouTube channel. So guys, today I will show you how you can share your laptop or computer screen with another monitor. तो गाइस आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे मॉनिटर के साथ। तो यहाँ पर गाइस मैंने अपने इस लैपटॉप के साथ माउस को अटैच कर रखा है। इस लैपटॉप में मैं जो भी करूँगा वो आप इस मॉनिटर में देख पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट एवर आई एम डूइंग इन दिस लैपटॉप सेम आई कैन सी इन दिस मॉनिटर। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ उस ट्रिक की मदद से आप एक दो या तीन या फिर चार मॉनिटर आप कनेक्ट कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिस्प्ले सेटिंग। यही नहीं गाइस, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक यू कैन डू मल्टीटास्किंग एज वेल। लेट मी शो यू हाउ। गाइस इस ट्रिक की मदद से आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो गाइस मान लीजिए ये है मॉनिटर वन और ये है मॉनिटर टू। अब मैं इस मॉनिटर टू में यूट्यूब चलाने वाला हूँ और इस मॉनिटर वन में मैं कोई भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाने वाला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉनिटर टू में यूट्यूब आ चुका है मॉनिटर वन में से और अब मैं मॉनिटर वन में चलाने वाला हूँ फोटोशॉप। तो अब गाइस मैं यहाँ पर दोनों मॉनिटर में वर्क कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यूट्यूब भी चला सकता हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर मैं फोटोशॉप भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं मॉनिटर टू में चल रहा है यूट्यूब और मॉनिटर वन में यहाँ पे अडोब फोटोशॉप में यहाँ पर मैं काम कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइस इस ट्रिक की मदद से आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। गाइस मैं आपको बता दूँ इस मॉनिटर को मैंने अभी सीपीयू के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ है। ये मॉनिटर सिर्फ इस लैपटॉप के साथ कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ दिस वीजीए केबल। तो गाइस इस प्रकार से आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को दूसरे मॉनिटर में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को कनेक्ट करना है दूसरे मॉनिटर के साथ। गाइस पूरा प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप मात्र कुछ ही सेकंड में आप मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के साथ। उससे पहले गाइस मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस यू नीड VGA और HDMI केबल टू कनेक्ट अनदर मॉनिटर विद योर लैपटॉप और कंप्यूटर। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं मैंने इस मॉनिटर को लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस VGA केबल। सो विद द हेल्प ऑफ दिस VGA केबल मैंने इस मॉनिटर को कनेक्ट किया हुआ है अपने इस लैपटॉप के साथ। अगर आपके पास VGA केबल नहीं है तो आप HDMI केबल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप VGA या फिर HDMI केबल को परचेज करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उस लिंक की मदद से आप VGA और HDMI केबल को परचेज कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको अपने मॉनिटर को अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के साथ HDMI या फिर VGA केबल की मदद से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको अपने लैपटॉप या फिर अगर आपके पास कंप्यूटर है उसके आपको डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। इस प्रकार से आपको डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। होम स्क्रीन में आने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले सेटिंग। अभी गाइस मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ अपने इस लैपटॉप में। तो आप इसमें राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले सेटिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले सेटिंग का एक ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको डिस्प्ले में जाना है। अब यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है जैसे कि ब्राइटनेस, कलर, विंडोज़ HD कलर, स्केल लेआउट, डिस्प्ले रेजोल्यूशन और यहीं पर आप एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे मल्टीपल डिस्प्ले। और गाइस इस मल्टीपल डिस्प्ले के टैब में यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है डुप्लीकेट दीज डिस्प्लेस, दूसरा ऑप्शन है एक्सटेंड दीज डिस्प्लेस, तीसरा ऑप्शन है शो ओनली ऑन वन, चौथा ऑप्शन है शो ओनली ऑन टू। तो गाइस अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं आप तो ये दूसरा वाला ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं जो कि है एक्सटेंड दीज डिस्प्लेस। इसको चूज़ करने के बाद आपको कीप चेंजेस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइज आपको उसको मूव करना है। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं ये वेब ब्राउज़र इस वाले लैपटॉप में से इस मॉनिटर में आ चुका है और यहाँ पर मैं कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ। तो गाइज अगर आप इस पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं डुप्लीकेट डीज डिस्प्लेस
तो यहाँ पर गाइज आप जो भी इस लैपटॉप में करेंगे, जो भी अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में करेंगे, वो सेम आप अपने दूसरे मॉनिटर में देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉट एवर आई एम डूइंग इन माई लैपटॉप सेम आई कैन सी इन दिस मॉनिटर। और गाइज अगर आप चाहते हैं सिर्फ आपका ये लैपटॉप वर्क करे और ये मॉनिटर बंद हो जाए, तो आप इस तीसरे वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं जो कि है शो ओनली ऑन वन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा मॉनिटर बंद हो गया है और ये लैपटॉप वर्क कर रहा है। और अगर आप चौथे वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं जो कि है शो ओनली ऑन टू, तो ये मॉनिटर वर्क करेगा लेकिन हमारा ये लैपटॉप की मॉनिटर जो है वो बंद हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा ये मॉनिटर वर्क कर रहा है लेकिन ये लैपटॉप बंद हो चुका है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपने देखा कि कितना आसान है सेकेंडरी मॉनिटर को अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना। आप चाहे तो गाइस आप एक, दो या तीन या फिर चार मॉनिटर आप कनेक्ट कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लैपटॉप और कंप्यूटर डिस्प्ले सेटिंग। ऐसे दोस्तों आई होप आज के वीडियो आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके कोई भी सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो के नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूबल कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे लिखे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन को अभी कभी दबा देना है। और आप सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों नमस्कार।